नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 4 अगस्त शुक्रवार का बोले जी। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास सुर्खियां। फर्जी रसीद बनाकर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे बिजली कर्मी। 107 शासकीय स्कूलों के 185 टॉपर बच्चों को मिलेगी ई स्कूटी। स्कूल और छात्रावास में समस्याओं का अंबार। सुरों का सिंहस्थ का दूसरा ऑडिशन 7 अगस्त को। थाना प्रभारी और कार्यवाहक निरीक्षकों को रिलीव किया। मामला नागजरी वाइन शॉप के सेल्स इंचार्ज से मारपीट का। महापौर मुकेश चटवाल ने शुक्रवार को स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ मेघदूत वन पार्किंग एवं मेयर स्ट्रीट के प्रचलित निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। महापौर ने कहा कि श्री महाकाल लोक परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत हरी फाटक ब्रिज के पास की 2.31 हेक्टेयर भूमि पर पार्किंग बनने से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अपने स्कूल और छात्रावास में व्याप्त समस्याओं को लेकर लालपुर स्थित शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय की कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी शुक्रवार दोपहर पैदल ही कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने एडीएम अनुकूल जैन को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि प्राचार्य कभी समय पर स्कूल नहीं आते, शिक्षक भी मनमानी करते हैं, समय पर पीरियड नहीं लगते जिससे पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। इसके अलावा कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर ही नहीं है, स्काउट गाइड की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। प्राचार्य को समस्या बताने पर वह टीसी देने की धमकी देते हैं। इसके अलावा छात्रावास में भी समस्याओं का अंबार है। वहां पीने के पानी के लिए आरओ नहीं है, मेन्यू तक नहीं है, होने से रोज एक जैसा नाश्ता दिया जाता है। खाने में बासी दाल परोस जा रही है। कर्मचारी गाली गलौज के साथ मारपीट करते हैं, अधीक्षक से शिकायत करते हैं तो वह भी नहीं सुनते। इस पर एडीएम अनुकूल जैन ने कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाकर कमेटी बनाने और कोताही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। हम दो मांगे हमारी सबसे कि हमको सबसे पहले प्रिंसिपल जो एडिशनल है उनको हटाया दिया जाए, हमको परमानेंट प्रिंसिपल दिया जाए जो हमारे स्कूल की व्यवस्था सुधार सके, और उसके बाद हमारे जो हॉस्टल वार्डन है उनको भी वहाँ से हटाए और उनकी जगह कोई अच्छा सा हॉस्टल वार्डन लाए जिससे हमारी व्यवस्था ठीक हो जाए। ये दोनों जगह हम चाहते हैं। हाँ बिगड़ी हुई काफ़ी, मतलब सर भोजन व्यवस्था तो खाली दाल रोटी दी जाती है, वो भी ऐसी जो सर है ना, मतलब बहुत ही घटिया लेवल की, खाने की इच्छा नहीं थी। और पीने के पानी भी सर ऐसे ही, वो जो उसमें रेत आती है वो ऐसे ही पानी पीते हैं बच्चों, उसमें वहाँ पे आरो वालों का बाथरूम का पानी पीना पड़ता है बच्चों, पानी भी मतलब उपलब्ध नहीं है। हाँ वही वही पानी पीते हैं, वही पानी पी रहे हैं ऐसे कम से कम अब 3 साल हो गए यार होते होते। लेकिन सर हम जाते थे बोलते थे हो जाएगा और बच्चों को पहले रस्टिकेट करते थे तो उस वजह से कोई भी बच्चा बोल नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे हम 12th में आए और क्या है कि पहले बच्चे भी थोड़े थे, हमारी जो मतलब सीनियर थे वो ऐसे, अब हम सीनियर हुए तो हमने मतलब कुछ भी मस्ती वगैरह नहीं की और हमारी कोई गलती में तो हम इस वजह से हम यहाँ पे आ गए। उनके साथ में बैठे मीटिंग हॉल में बैठे अधिसंख्य थे, बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में थे। उन्होंने अपने विषय रखे, विषयों में मुख्यतः उन्होंने जो उनके स्वल्पाहार और भोजन की व्यवस्था है, पाठ्यक्रम की व्यवस्था, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था है, यहाँ तक कि जो उनकी फैकल्टी है, जो शिक्षक उनको पढ़ाने आ रहे नहीं आ रहे, उस बारे में तथ्यात्मक रूप से पूरी विस्तारपूर्वक उनसे बातचीत की गई है और उनके द्वारा जो अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया है, जो अपनी परेशानियां बताई गई है उसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के बाद एक कमेटी प्रस्तावित हम कर रहे हैं जिसमें स्कूल में जाकर वो बच्चों से बात करें और वस्तुस्थिति को समझें और यदि इसमें किसी को कोई लापरवाही है, अनुशासनहीनता है या कोताही है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों को सुलभतापूर्वक सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। अगर आप में है गायकी का हुनर तो दिखाइए उसका जलवा। 7 अगस्त को मिलेगा मंच और मौका होगा एनएसके म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय गायन स्पर्धा सुरों का सिंहस्थ के दूसरे ऑडिशन राउंड का। इंदौर रोड स्थित होटल शिव पैलेस में सुबह 11 से शाम 5 बजे चलने वाले इस ऑडिशन राउंड में उभरते सिंगर अपनी गायन की प्रतिभा को सबके सामने रख सकेंगे। इसमें भाग लेने के लिए ₹500 एंट्री फीस जमा करवानी होगी। जज की भूमिका जयेंद्र रावल, सोनाली सिंह और सावन कुमार निभाएंगे। आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होगा। स्पर्धा के विजेता को ₹25,551 का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को क्रमशः ₹11,111 और ₹5,100 का पुरस्कार दिया जाएगा। इस राज्य स्तरीय गायन स्पर्धा की परिकल्पना एवं निर्देशन संतोष सर का होगा और संयोजक संजय कौशिक, सह संयोजक पंकज आचार्य एवं समन्वयक राहुल गामी होंगे। स्पर्धा का मीडिया पार्टनर अभय न्यूज है।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। उज्जैन जिले के 107 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2022-23 में अध्ययनरत रहे एवं 12वीं में टॉप करने वाले 185 स्कूल टॉपर्स बच्चों को राज्य शासन की ओर से निशुल्क ई स्कूटी दी जाएगी। यदि विद्यार्थियों द्वारा ई स्कूटी के स्थान पर ICE स्कूटी का चयन किया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा उन्हें 90,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें एक्स शोरूम प्राइस सहित रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, दो हेलमेट एवं एक्सेसरीज की राशि शामिल होगी। वहीं ई स्कूटी का चयन करने पर 1,20,000 रुपए की राशि उन्हें दी जाएगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को प्रशासनिक संकुल में ई स्कूटी के डीलर्स एवं जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा, RTO संतोष कुमार मालवीय के साथ बैठक की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कोई भी शिक्षक या प्राचार्य विद्यार्थियों पर दबाव नहीं डालेगा कि किसी विशेष वेंडर से स्कूटी लें। छात्रों की इच्छा अनुसार वे सूची में से वेंडर का चयन कर सकेंगे। DEO को निर्देशित किया कि वे सीधे कोषालय से विद्यार्थियों को उनके खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। यदि विद्यार्थी का अपना बैंक खाता नहीं है तो माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में राशि अंतरित की जाएगी। 23 अगस्त को ई स्कूटी का वितरण किया जाएगा। नागझिरी वाइन शॉप के सेल्स इंचार्ज वीरेंद्र कुमार पिता स्वर्गीय कमलपाल तिवारी निवासी इंदौर से पुलिस कर्मियों द्वारा 26 जुलाई की रात की गई मारपीट के मामले में शुक्रवार को फरियादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इसमें वीरेंद्र कुमार तिवारी ने आरोप लगाया कि फ्री में बियर नहीं देने की बात पर नागझिरी TI विक्रम सिंह इव ने विजय चौहान तथा अन्य ने उसके साथ जमकर मारपीट की। इस संबंध में गृह मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तिवारी ने उक्त घटना की न्यायिक एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाने और TI विक्रम सिंह, विजय चौहान एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जान माल की सुरक्षा करने की मांग की है। अभिषेक यादव ने सेटर खोली तो थाने में मेरे को ले गए, दो पुलिस वाले आए, वो थाने ले गए, 10-15 मिनट मेरे को बिठाया, TI साहब को फोन लगाया, TI साहब कहीं और थे, तो TI साहब आए वहाँ से और बोले बाहर लाओ उनको, मेरे को बाहर बुलवाए। तो मेरे साथ दो साथियों से पूछताछ की उनने, और उसके बाद TI साहब ने मेरे को उससे ड्राइवर से पूछा कि किस पेन किसने नहीं दी थी, तो उनने मेरी तरफ इशारा किया वीरेंद्र तिवारी ने दी थी, तो TI साहब ने मेरे को मारना चालू कर दिया। और उनके साथ एक सिविल ड्रेस में थे, वो भी मेरा मुँह पकड़ पकड़ के मारने लग गए, चाटे चाटे मारते रहे, मेरे को पूछते रहे कहाँ से है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें की। और फिर TI साहब ने बोला पाइप लाओ, ऐसे नहीं मानेगा जी, लाइक लाठू सो से ये नहीं मानेगा, तो पाइप निकाल के मेरे को लेटा के उल्टा रोड पे थाने के सामने भयंकर मारा, 50-60 लट मारे, और उसके बाद फिर थाने में बैठा दिया। बोले इस पर कार्रवाई करो, इसको अपराधी बनाओ, इसको 34-2 लगाओ, 2-3 केस और लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, जमाने की बातें करने लग गए और मेरे को अंदर बैठा दिया। इसकी शिकायत करी आपने? इसकी शिकायत मैंने हर जगह की है, सभी आला अधिकारियों को की है, किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अपने होम मिनिस्टर साहब को भी की है मैंने लिखित में इसकी शिकायत, हर जगह की है, मतलब कोई भी ऐसे अधिकारी नहीं है जो वरिष्ठ हैं जिनको मैंने शिकायत नहीं पहुंचा। और मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी हुई है, मुझे बहुत मारा गया है, जिससे मैं अभी भी पीड़ित हूँ। नए बिजली बिल कनेक्शन और DP के लिए ऑनलाइन आवेदन की रसीदों में फर्जीवाड़ा करने का आरोप कांग्रेस नेता सैयद मकसूद अली ने लगाया है। शुक्रवार को उन्होंने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के वल्लभ नगर जोन पहुंचकर कार्यपालन यंत्री राजेश हारोड़े को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने बताया कि जोन के कर्मचारी भगवान भाटी और आउटसोर्स कर्मचारी वीर प्रताप सिंह द्वारा बिना अधिकारियों के हस्ताक्षर के फर्जी रसीद बनाकर राजस्व को हानि पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कार्यपालन यंत्री हारोड़े की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पहले आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता सैयद मकसूद अली ने क्या कहा। तो जो शिकायत हमने ऊपर उच्च अधिकारियों से बोली थी, आज वो मीटिंग में थे तो बोले हम उपलब्ध नहीं है, तो ये डी में हम, क्योंकि डी यहाँ का वल्लभ नगर जोन का डी राजेश अरोड़ा लगते हैं, और मैं राजेश अरोड़ा जी जो यहाँ पर डी हैं उन पर मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हूँ कि पूरी मिली भगत से ये सारे काम हो रहे हैं। इसमें डी तक पैसा जाता है, ठेकेदारों से वो एक एक 2-2 हज़ार रुपये राजेश जी खुद लेते हैं। मैं मकसूद अली आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ कि राजेश अरोड़े
जो डीए वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, लगातार यहाँ पर पैसे ले रहे हैं, वो पैसे से ठेकेदारों को यहाँ पर बिठाकर ठेकेदारों से बाकायदा सेटिंग होती है, बहुत बड़े काम हो रहे हैं। एक तरफ जो अवैध कॉलोनियाँ थी उनको वहाँ पर डीपी नहीं लग सकती थी, एसी डी साहब ने करीबन 2 फाइलों पे साइन करें जिस पे अवैध कॉलोनी थी जो सीएस क्षेत्र में थी वहाँ डीपी लग गई, उसकी शिकायत भी अब विधिवत मंडल के बहुत बड़े अधिकारियों को दी जाएगी और लिखित में दी जाएगी कि बिना उनके कागज़ देखे हुए, बिना उनके कागज़ को जांचे हुए उनकी डीपी कैसे हो गई, जब उनकी अवैध कॉलोनियाँ थी, अवैध कॉलोनी में वैध का अपने अवैध प्रमाण पत्र मिलता है, टीएनसी से मिलता है, टीएनसी होने के बाद यहाँ पर जो डाइवर्शन शुल्क जमा होता है उसके बाद डीपी लगना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं सीधा डी पे आरोप लगाऊँ कि इस पूरी मिली भगत इसमें डी है राजेश अरोड़ा जी को जब तक नहीं हटाए जाएंगे, हमारा ये तो अभी शिकायत आंदोलन था, हम लगातार आंदोलन करेंगे जब तक इनका तबादला नहीं होगा, उपभोक्ताओं को बहुत परेशान करूँगा। इधर मामले को लेकर कार्यपालन यंत्री राजेश हारोड़े भी अपना पक्ष रखा है, उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। यह जो मामला बता रहा है इसमें ऐसा किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या गबन जैसी कोई चीज़ नहीं है। एमपीबी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नए कनेक्शन की सुविधा दे रखी है। उपभोक्ता जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल पे अपना आवेदन रजिस्टर्ड करता है ऑटोमेटिक डिमांड नोट जनरेट हो जाता है। उस डिमांड नोट जनरेशन पे किसी अधिकारी की कोई साइन की आवश्यकता नहीं रहती। उस डिमांड नोट के अनुसार उपभोक्ता जहाँ चाहे एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर ऑटोमेटिक रसीद कटा सकता है, वहाँ तक किसी अधिकारी का कोई रोल नहीं रहता। इसलिए इस प्रकरण में भी भ्रष्टाचार जैसे कोई किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि यह शिकायत उपभोक्ता द्वारा अधीक्षण यंत्री कार्यालय मुख्य अभियंता कार्यालय दोनों जगह की गई है। मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि वो खुद कमेटी बनाकर इस प्रकरण की स्वयं जांच करेंगे। सर फाइल पर साइन नहीं करने का मामला सामने आ रहा है, तो क्या इस तरह की कुछ प्रक्रिया? वही बता रहा हूँ कि फाइल पर साइन किया जाना डिमांड नोट जमा करने से पहले का कोई संबंध नहीं, ऑनलाइन पोर्टल से ऑटोमेटिक हो जाती है। पुलिस मुख्यालय भोपाल ने 19 जुलाई को प्रदेश भर में 673 थाना प्रभारी और कार्यवाहक निरीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया था। इनमें उज्जैन जिले के 25 थाना प्रभारी भी शामिल है। संभावना जताई जा रही थी कि श्रावण माह के बाद इन्हें रिलीव किया जाएगा, लेकिन शुक्रवार को ही एसपी सचिन शर्मा ने इन्हें रिलीव करने के आदेश जारी कर दिए। दरअसल उज्जैन जिले के जिन 25 थाना प्रभारी और कार्यवाहक निरीक्षकों का तबादला किया गया उनमें से 1 को धार, 2 को खरगोन, 3 को इंदौर शहर, 3 को भोपाल शहर, 4 को रतलाम, 5 को शाजापुर, 5 को देवास और 2 को आगर मालवा स्थानांतरित किया गया है। इतने ही अधिकारियों को विभिन्न जिलों से उज्जैन भेजा गया है। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक इनबॉक्स या कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर पहुँचाए। फिर मुलाकात होगी बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।